सचिव और डीजीपी की बैठक संपन्न हुई है। थोड़ी देर पहले यह बैठक हो रही थी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको दिखा दें कि डीजीपी ने लॉकडाउन अनुपालन को लेकर कई अहम बातें भी कही हैं। नहीं ना, जो रिव्यू होते हैं ना, रेगुलर रिव्यू होते हैं कि लॉकडाउन क्या हो रहा है और गाइडलाइंस कैसा है, तो ये सब चीजों की बात हो रही है। और आज तो ऐसे कोई खास नहीं है, जस्ट रूटीन रूटीन रिव्यू मीटिंग। अभी कम्युनिटी लीडर हैव ऑलरेडी गिवन ए कॉल कि लोग जो भी पंजाब में जो अनुष्ठान होते हैं वो सब अपना अपना घर में रह करेंगे, कोई कम्युनिटी तो नहीं होगा। ये सब तो ऑलरेडी दे चुके हैं और डायरेक्शंस भी हुए, इसको पालन किया जाएगा। सर एक और सबसे इम्पोर्टेंट, सर जो जो विदेश में कपड़े हैं उसको कई लोग जेल लेने को तैयार नहीं है। ले लेगा उधर ही जाओ, उस लोग जेल के अंदर अलग पॉट है, जो जो इन्फेक्ट क्वारंटाइन से निकला वालों का जेल जाएगा, तो जेल में अलग से रखा जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस के साथ डीपीएम राव की बैठक हुई। बैठक संपन्न हो गई है। डीपीएम राव ने बयान दिया लॉकडाउन अनुपालन को लेकर। इसके अलावा उन्हें साफ तौर पर कह दिया है सेंट्रल जेल में अलग वार्ड बनाए जाएंगे जिसमें इनको रखा जाएगा। क्वारंटीन से जो कैदियों को उन्होंने बयान दिया।